गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द एसडीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू क्वेश्चन 1 to 6 सेम थे। फाइंड द पोजीशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम स्टाइल के आपने फाइंड किए थे। अब फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द पोजीशन ऑफ पैराबोला व्हिच फोकस 6,0 डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू -6। तो देखिए ये कैसा जाएगा, फोकस 6,0 ऐसा जाएगा, ये हो गया 6,0, ये हो गई x इक्वल टू 6 की लाइन, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो फोकस क्या होता है, फोकस 6,0 या इसकी कंपेयरिंग करेंगे ये -0, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6, x इक्वल टू -6 चाहिए। a इक्वल टू 6 आ गया तो इसका इक्वेशन होता है पाई स्क्वायर इक्वल टू कितना खुला है 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इनटू a की वैल्यू 6 इनटू x, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू 6 4 जा 24 है। दिस इज तो क्वेश्चन ऑफ पैरा क्वेश्चन नंबर 1 फोकस 0 कॉमा फोकस 0 कॉमा -3 इसकी कंपेयरिंग करें 0 कॉमा -6 से, तो a इक्वल टू आ गया 3। अब ये किधर जाएगा देख लीजिएगा, इधर के लिए यहां पर होगा क्या पॉइंट 0 कॉमा -3, x 0 है y की वैल्यू -3 है, ये लाइन हो गई है y इक्वल टू 3 की डायरेक्टली हो गई। तो इसका क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, y के नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ये पैराबोला, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 के की वैल्यू 3 इनटू y, x स्क्वायर इक्वल टू 4 3 या -5 y, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 वर्टेक्स 0 0 वर्टेक्स 0 0 फोकस 3,0 3,0 ये हो गया वर्टेक्स 0,0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे आप इससे फोकस 1,0 ए इक्वल टू कितना आ गया, एक जगह 3 है इधर बोल लगा देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4a या y स्क्वायर इक्वल टू 4 इनटू a की वैल्यू 3 इनटू या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12। इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी लगा सकते हैं, वर्टेक्स 0 0 फोकस -2,0। तो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, वर्टेक्स 0 0 फोकस -2,0 कैसा खुलेगा कर देते हैं, ये ऐसा आएगा -2,0 जबकि मेरे -2 है और बाकी 0। इसको आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।